देखिए, ये भारत देश के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, जहां आसाम की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन ट्राइबल है बोडो, वो दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव कर रही है। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और अपने जो इश्यूज हैं, किस तरह से वो बोडोलैंड में जो 3 अकॉर्ड हुए केंद्र, राज्य और बोडो समाज के बीच में, उनका जो एक बहुत सुंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ख़ास करके BTR अकॉर्ड के बाद प्रमोद बोरो जी के नेतृत्व में जिस तरह से BTR में काम चल रहा है, जिसने अपने 2 ही उद्देश्य माने हैं, वायलेंस लेस सोसाइटी, जिससे पीस होगा, शांति होगी, और शांति के बाद जो है हारमोनियस वे में बोडोलैंड BTR के अंदर जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट जो है वो तभी हो सकता है जब पिछले दिनों में जो हमारे आसाम में बोडोलैंड एरिया में हिंसा जो होती थी वो ख़त्म हो गई, अब शांति आ गई, अब तो मिलजुल के हारमोनियस वे में हमको विकास करना है। आज का जो बोडोलैंड महोत्सव है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और इस देश के पॉलिसी मेकर्स को ये बोडोलैंड महोत्सव ये दिखाएगा कि किस तरह से बोडो जाति ने जो उनको अपने सुविधाएं दी हैं BTR अकॉर्ड के बाद, उसको उन्होंने किस तरह से अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। और पूरी जो बोडो जाति है पूरे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ भी है, वो पूरी तरह से नेशनल मेन स्ट्रीम जो है, राष्ट्र की मुख्य धारा विकास की, उसको वो ज्वाइन करने जा रही है। तो ये इस तरह के जो महोत्सव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, केवल बोडो लोगों के लिए नहीं, केवल आसाम के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, कि किस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में एक आसाम की बोडो जाति ने अपनी विकास की यात्रा शुरू की है और भविष्य में उसके क्या एस्पिरेशंस हैं, प्लान हैं, फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, उन सब पर यहाँ विचार होगा। क्योंकि कई तरह के सेशन जो हैं, जो टूरिज़्म को लेकर भी है, एजुकेशन को लेकर भी है, लैंग्वेज को लेकर भी है, लिटरेचर को लेकर भी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी है, कई मंत्री आएंगे जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये दोनों तरफ विन विन पोजिशन है। यानी सेंट्रल भी इसमें अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है, स्टेट भी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी के लीडरशिप में जो असम डेवलपमेंट कर रहा है उनके लिए विनिंग पोजीशन है, और देश के लिए भी है और बोडो जाति के लिए भी है। तो ये सेलिब्रेशन है कि अगर सेंटर, स्टेट और बोडो लीडरशिप, जैसे प्रमोद बोरो जी जैसे जो लीडर्स हैं, आपसू जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि आपसू जो है वो बोडो जाति का सबसे सजग, वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर लाखों यूथ जो बोडो है वो जुड़े हुए हैं। तो आपसू जो भी करता है वो बोडो जाति के युवाओं को देखकर, उनके विचार जान के काम करता है। तो आपसू का ये जो आज का 2 दिन का महोत्सव उन्होंने रखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले भी आपसू ने, बोडो साहित्यसभा ने मिलकर 2001 और 2 में हमने नेशनल बोडो मेला किया था, तब भी आपसू लीडिंग रोल में था। बोडो साहित्य सभा भी थी, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा भी थी, हम 3 लोग ही थे। तो ये एक सीरीज है, और आज की सीरीज सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आज देश को दिखाना चाहते हैं कि पिछले 20-25 साल के संघर्ष के बाद बोडो जाति इस देश को आगे ले जाने में किस तरह से योगदान दे रही है। 1980 साल से पहले दिल्ली बहुत दूर था। जी, बहुत समीप में गया। इसके बारे में आपका क्या धारणा है? देखिए, हमें मतलब मुझे 25 साल हो गए बोडो जाति के साथ जुड़े हुए। 16 नवंबर को हमने पहली बार दिल्ली में बोडो साहित्य सभा का फाउंडेशन डे मनाया था। विनेश्वर ब्रह्म आफादगिरी थे बोडो साहित्य सभा के, उर्खाव गोरा ब्रह्म आपसू प्रेसिडेंट थे। हम लोगों ने दिल्ली में प्रोग्राम किया,
और उस समय भी जो वहाँ शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में मुरली मनोहर जोशी, वो उसमें आए, और जितने बड़े गांधीयन लीडर थे नटवर ठक्कर, सुंदरलाल बहुगुणा, सारे देश के बड़े बड़े जो गांधीयन लीडर्स थे वो भी आए। तो 99 में जो यात्रा, जैसे आपने कहा कि दिल्ली दूर थी, तो 99 में बोडो जाति ने पहली बार दिल्ली में प्रोग्राम किया, और उसके बाद लगातार कर रहे हैं। प्रमोद जी ने भी किया, यूजी ने भी किया, हमारे जो अभी राज्यसभा MP हैं उन्होंने भी नेशनल बोडो मेला, उस समय आपसू के जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें भी उन्होंने किया। तो एक बहुत अच्छी यात्रा है, और आज BTR के बाद जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उसको सेलिब्रेट करने का समय है, जो हमारा फ्यूचर कोर्स को डिसाइड करेगा। थैंक यू सर।